यह किस्सा है साल 1976 का। देश को आजाद हुए 29 साल हो चले थे। देश तो आजाद हुआ पर अयोध्या में भगवान श्री राम को उनकी जन्मस्थली पर ताला लगाकर कैद कर दिया गया, क्योंकि देश की राजनीति उस समय आजादी के बाद एक अलग ही दिशा में अग्रसर हुई, जिसने करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था की परवाह तक ना की। देश की आस्था को न सिर्फ ताले में कैद किया गया बल्कि कई कई षड्यंत्र इसके विरुद्ध हुए। वो राम जो देश की आस्था है उनको आधारहीन बता दिया गया। कहीं कोई ऐसे प्रयास नजर नहीं आए कि उस स्थल पर राम मंदिर बने, लेकिन हिंदुओं की एकजुट आवाज पर एक प्रयास आगे चलकर नजर आया और कोर्ट ने आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की एक टीम बनाकर उसे काम दिया कि वह उस स्थल पर जो विवादित है, जो अयोध्या में है और हिंदुओं द्वारा भगवान राम लला का जन्म स्थल बताया जाता है, उसका इतिहास क्या है, इसकी जानकारी वो टीम निकाल कर दे। इस टीम के एक सदस्य थे डॉक्टर के मोहम्मद। यह के मोहम्मद आज हमारी कहानी के नायक हैं और नायक हैं राम जन्मभूमि पर बनने वाले उस भव्य मंदिर की, जिसने एक ईंट इस मंदिर निर्माण में जोड़ने का कार्य किया। नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व संवाद केंद्र की इस विशेष सीरीज में, जहां हम बात कर रहे हैं भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण में होने वाले योगदान के बारे में। डॉक्टर के मोहम्मद ने सबसे पहले बताया कि वह स्थल जिसे अयोध्या में मस्जिद कहकर विवादित बताया जा रहा है, वो मस्जिद वाला स्थान वास्तव में एक मंदिर के ऊपर बना है, या कहें तो वो मस्जिद एक मंदिर के ऊपर बनी है, जिस मंदिर के बाहर 14 खंभे निकले हुए हैं। इनको देखकर यही लगता है कि वो स्थल वास्तव में कोई मंदिर रहा है। डॉक्टर के मोहम्मद के सबूतों के आधार पर मुस्लिम समुदाय ने भी यह मानना प्रारंभ कर दिया था कि उस स्थल पर वास्तव में मंदिर ही है। उनकी स्वीकार्यता इस ओर बड़ी थी, लेकिन वामपंथी इतिहासकारों को यह मामला आसानी से सुलझता देख अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने झूठ फैलाना प्रारंभ कर दिया और स्थल के प्रति मुसलमानों को भड़काना प्रारंभ कर दिया। इसमें प्रमुख थे इरफान हबीब, जो इन सबूतों को नकार रहे थे। उनके बारे में के मोहम्मद का कहना था कि जो इतिहासकार इस बात को नकार रहे हैं कि वहां पर मंदिर ना था, उनको पुरातत्व की कोई समझ तक नहीं। इरफान हबीब, जिन्होंने वामपंथी इतिहासकार के रूप में अपना कार्य प्रारंभ किया था, वो केवल और केवल भड़काने का कार्य कर रहे हैं। उनको शायद यह देख अच्छा नहीं लग रहा कि सालों से रुका मामला इतनी आसानी से कैसे सुलझ रहा है। मामला भले ही कितने साल चला हो, अंत भला तो सब भला। सुप्रीम कोर्ट ने जब राम जन्मभूमि के संबंध में अपना फैसला सुनाया तो यह बात भी कही, 1976 के दौरान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो साक्ष्य जुटाए थे वो एकदम पुख्ता थे, जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि वो स्थल हिंदू मंदिर था और मस्जिद उस मंदिर के ऊपर बनाई गई थी। डॉक्टर के मोहम्मद ने यह बात सबसे पहले जनमानस तक पहुंचाई थी कि वो स्थल हिंदू मंदिर था। इस कारण से उस समय डॉक्टर के मोहम्मद को विभागीय जांच से होकर गुजरना पड़ा और बात उनके सस्पेंशन तक आ गई थी। जब पत्रकारों ने इस संबंध में उनसे चर्चा की तो डॉक्टर के मोहम्मद ने कहा था कि झूठ बोलने से अच्छा है कि वे सच बोलते बोलते मर जाएं। ये के मोहम्मद थे राम जन्मभूमि के संघर्ष के इतिहास में। इन्होंने एक ईंट जोड़ी थी और बताया था कि पुरातत्व ये गवाही दे रहा है कि राम लला का मंदिर अयोध्या में है और जो मस्जिद का दावा किया जाता है वो मंदिर के ऊपर बनी थी। ऐसे ही और किससे हम आप तक लाते रहेंगे इस सीरीज राष्ट्र मंदिर में, और बताएंगे कि राम मंदिर के निर्माण में
किस तरह का योगदान हमारे देश के लोगों ने इसे बनाने में दिया। मैं सौरभ तामेश्वरी था और इस किस्से को तैयार करने में मदद दी थी हमारे साथी मधुर शर्मा ने।